गुड मॉर्निंग बेटे। वेरी मॉर्निंग नाइस, शाबाश बच्चे। हम आगे बढ़ेंगे और सर। देखेंगे, क्वेश्चन करते हुए, असाइनमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे ग्रेविटेशन पे। सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि और कोई आपका कॉन्सेप्ट मेरे को मजबूत करने की जरूरत है, कौन सा ऐसा है, देन वी विल कम टू द असाइनमेंट, राइट। यस बेटे, एक चीज लिखो जरा जल्दी से, शाबाश, जल्दी से लो एक चीज। व्हेन लर्निंग पॉइंट्स लिख देना, कॉमा लर्निंग पॉइंट्स। व्हेन इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल, राइट डाउन बेटे एवरीबॉडी, व्हेन इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल फ्री फॉल, देखो बोर्ड पे लिखा शाबाश, फ्री फॉल और रिलीज्ड और ड्रॉप्ड वर्ड्स आर यूज्ड, ड्रॉप्ड वर्ड रिलीज्ड। बेटे कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, शुड आई क्लिक द फोटोग्राफ। व्हेन इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वर्ड्स, देखो फ्री फॉल और ड्रॉप्ड और रिलीज्ड आर यूज्ड, शाबाश, वी टेक द स्टार्टिंग वेलोसिटी यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, जू इट इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। देख लो बेटे, अब इसका मीनिंग समझो शाबाश। एवरीबॉडी प्लीज लुक एट मी, प्लीज लुक एट मी। आई एम होल्डिंग प्रेजेंटली अ मार्कर इन माई हैंड। इफ आई रिलीज इट जेंटली, लुक एयर वंस अगेन, लुक एट द ग्रिप ऑफ माई फिंगर्स, आई एम जस्ट रिलीजिंग इट जेंटली, इट इज फॉलिंग। द स्टार्टिंग वेलोसिटी यू शुड बी टेकन एज 0। दिस मैकेनिज्म इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन बी रिटन आइदर बाय द वर्ड फ्री फॉल, रिलीज और ड्रॉप्ड। प्रिकॉशन, थ्रोन वर्ड नहीं आएगा स्टेटमेंट में। इफ आई थ्रो इट लाइक दिस, लुक ऐसे ऐसे, देन यू शुड नॉट बी टेकन एज 0। इसीलिए थ्रोन वर्ड लिख के उस पर कट लगा दो, शाबाश, मेमोरी टूल, प्रिकॉशन। थ्रोन में यू आप 0 नहीं ले सकते। नेक्स्ट बेटे, शाबाश, योर अटेंशन, नेक्स्ट। आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन पता है, इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन और प्रॉपर वर्ड इज, सभी बच्चे लिखो, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी, अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी। ये हेडिंग है आपका सेकंड लर्निंग पॉइंट का, सेकंड लर्निंग पॉइंट। शाबाश, सभी बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि आई एम आस्किंग लेटर ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ध्यान से सुने बेटे,
आप लोगों ने ये इक्वेशन सुनी हुई है मोशन में, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेव एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। गॉट इट? कितने बच्चों ने ये इक्वेशन सुनी है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। शाबाश शाबाश। दूसरी बात, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन बच्चा क्लास में मेरे को बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S? शाबाश, S का क्या मतलब है? हाँ बोलो बोलो, किसी में भी दम है तो बोलो। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? तो मिक्स आवाज होगी, कुछ बच्चे डिस्टेंस कह रहे हैं, कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट। लिख लो, ध्यान से लिख लो, एस इज नेवर डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, एस इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए। लिख लो लिख लो, इफ बॉडी मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, देन इफ बॉडी मूव्स इन दी स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सभी बच्चे ध्यान से देखें, टीचर ने तीन इक्वेशंस लिखी हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो ध्यान से सुनना अभी बेटे, योर अटेंशन। अगर यही मोशन हमने अगेंस्ट ग्रेविटी या इन अंडर ग्रेविटी पढ़ना हो, इन फेवर ऑफ ग्रेविटी, मान लो बॉडी नीचे को आ रही है जमीन की तरफ, दिस इज योर ग्राउंड, तब आपने इन सारी इक्वेशंस में से एक को जी के बराबर कर देना और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड लेनी है। ओके, इन सारी इक्वेशंस में अगर यही बॉडी वर्टिकली थ्रो करें हम अपवर्ड, ऐसे वर्टिकली थ्रो, लुक ऐसे लाइक, ओके, तब आपको ए की वैल्यू माइनस जी रखनी है, दैट मींस -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो, यही इक्वेशन हमारे न्यूमेरिकल के लिए लगती हैं, बट विद दीज प्रिकॉशंस। येलो बॉक्स में जो लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा बता सकता है अगर यही क्वेश्चन जमीन पे ना हो, अर्थ पे ना हो, मून पे आ जाए, मून पे, तो मून के अंदर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी पुट करते हैं हम? बेटे मून के ऊपर लिख लो सभी बच्चे, ये थर्ड लर्निंग, ये सेकंड लर्निंग पॉइंट था, थर्ड लर्निंग पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑन मून सरफेस इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरीबॉडी, मून के ऊपर, अर्थ या मून के ऊपर किसी और प्लेनेट की अगर बात होगी तो वो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको लिख के बताएगा, लेकिन अर्थ और मून की याद होनी चाहिए आपको। गॉट इट? ओके बेटे, आगे बढ़ते हैं। योर अटेंशन, ग्रेविटेशन के चैप्टर में कौन सा बच्चा मेरे को, देखो मेरे को ये लगता है एक भी बच्चा नहीं बता पाएगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, 50 बच्चे एक क्लास में, 41 में, लगभग 31 में, 160 स्टूडेंट्स के आसपास बैठे हैं, मेरे को ये लगता है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि एक भी बच्चा नहीं बता पाएगा।
लेकिन अगर कोई भी बच्चा मेरे क्वेश्चन को मेरे को गलत प्रूव करेगा, क्वेश्चन का सही आंसर देगा, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। माई क्वेश्चन इज हु कैन डिफाइन मी आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरी वेरी एक्यूरेटली। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है आपको पढ़ाकर गए हैं, और इसका बिल्कुल सही डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी? देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सीट पे नहीं। अगर हौसला है माइक, आप इफ यू डेयर कम ऑन द माइक, ट्राई टू प्रूव योर टीचर। टीचर ने बोला है किसी को नहीं आता होगा और आपने पढ़ रखा है, फिर भी मेरे को प्रूव करो गलत है। अगर हाँ आर्किमिडीज बोलो, ट्राई 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 टू प्रूव द टीचर रॉन्ग। शाबाश। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड और फुली इमर्स्ड इन अ वाटर देन द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कोशिश करी, लेकिन बेटे आपके लिए रिप्लाई है ये, डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। और कोई बच्चा? एनीबॉडी? आई वांट वन स्टूडेंट, मेरे को भी इतने साल का एक्सपीरियंस है। शाबाश। When an object in a fluid and it flowed upward due to the buoyancy, it is known as Archimedes' principle. बैठो बेटे, गुड ट्राई, आपकी उम्र से उम्र के मुताबिक अच्छी ट्राई है, लेकिन प्लीज डोंट माइंड। एनीबॉडी एल्स? शाबाश। अब मैं आपको, छोटे बच्चे को मैंने किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना, मैंने ये इसलिए प्रूव करा है कि अब जब टीचर समझाए तो सभी बच्चों ने ध्यान से सुन, मैंने प्रूव करा है कि आपको आता नहीं, अब ध्यान से सुनना। शाबाश। आज के बाद कोई भी पूछे तो फिर बताना योर अटेंशन। मैं इसको रिलीज कर रहा हूं बेटे, इरेज कर रहा हूं सारे को, ठीक है? योर अटेंशन। हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन बनाएंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद। एक्टिविटी सुनो, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक कंटेनर है, बड़े वाला, और इस कंटेनर के यहां पर आउटलेट है, यहां से लिक्विड बाहर आ सकता है। इस कंटेनर के बाहर मैंने एक छोटा कंटेनर रख दिया, बिल्कुल खाली, लेकिन इस छोटे कंटेनर का वेट कितना है? वेट वो एक्यूरेटली मेजर कर लिया क्या? वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर नोट करके फिर रखा इसको। बड़े कंटेनर का नहीं करना, छोटे का ही बस। दूसरी बात, दूसरे वाले कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया आउटलेट तक, आउटलेट से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से भरना है। यह ऐसे समझ लो, पहले भर दो, जब ड्रॉप ड्रॉप गिरना बंद हो जाए तो छोटा खाली वाला छोटा कंटेनर रख दो वेट करने के बाद। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे पास ये एक बॉडी है, मान लो हमारे पास डस्टर है जिससे टीचर लोग बोर्ड साफ करते हैं, कोई भी बॉडी हो सकती है, बॉटल हो सकती है, कुछ हो सकती है। मैंने इसको थोड़े से धागे के साथ बांध दिया, और बांधने के बाद स्प्रिंग बैलेंस से इसका वेट देख लिया, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इन एयर मैंने नोट कर लिया बेटे। ओके, अब इसको यहां से पकड़ के होल्डर से मैं इधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा तो व्हाट आई नोटिस कि ये जो डस्टर मैंने डिप करा, जिसका कुछ पोर्शन अभी बाहर ही है बॉडी का, कुछ पोर्शन अंदर चला गया, डूब गया, भीग गया, कुछ पोर्शन अंदर है, ओके, कुछ पोर्शन बाहर है बेटे, जिस जगह पर टीचर ने ब्लू लाइन लगाई है वो डिप हो गया, और जिस पे अभी नहीं लगाई वो अभी डिप नहीं हुआ, ओके।
आपको आप कह सकते हो सर सारा भी तो टिप कर सकते हो, यस सारा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कॉम्प्लिकेटेड केस लिया, ओके, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर। चलो अब ध्यान से सुनना, जैसे ही ये अंदर डिप करा तो व्हाट हैपन, इस बॉडी के अंदर वाले भाग ने, अंदर वाले वॉल्यूम ने कुछ जगह घेर ली। जब अंदर वाले कंटेनर पोर्शन ने जो डूबा हुआ जगह घेर ली, तो यहां से लिक्विड डिप करके आ जाएगा, लिक्विड आउटफ्लो करने लगेगा, ये इकट्ठा हो गया लिक्विड इसमें। ये जो बाहर लिक्विड गिरेगा, इसका वॉल्यूम बिल्कुल उतना ही होगा जितनी जगह पर टीचर ने ब्लू कलर करा है, यानी टोटल बॉडी के सिर्फ डूबे हुए पोर्शन के बराबर के वॉल्यूम का लिक्विड बाहर गिर जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, बड़े कंटेनर से डिस्प्लेस होकर छोटे में आ गया। अब ध्यान से सुना आगे क्या करना है। अब वेट ऑफ दी छोटे वाला कंटेनर, वेट ऑफ दी कंटेनर फिर से नोट कर लो। सभी बच्चे मानेंगे कि सर्कल वाला वेट ज्यादा है और एम्प्टी कंटेनर का कम है। सर्कल वाले का इसलिए ज्यादा क्योंकि उसमें लिक्विड आ गया। अब सर्कल वाले वेट में से, कंटेनर के वेट में से जिसमें लिक्विड आ चुका है, उसमें एम्प्टी वाला कंटेनर माइनस कर देंगे, एम्प्टी वाले कंटेनर का वेट। तो जितना लिक्विड बाहर आया उसका वेट पता लग जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू सर्कल वाला वेट यानी कंटेनर का वेट माइनस बॉक्स वाला वेट यानी कि खाली कंटेनर वाला वेट। दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो कितना लिक्विड बाहर आ गया हमें पता लग गया। अब दूसरी बात, जैसे ही मैंने स्प्रिंग बैलेंस से वेट मापा तो जितना वेट हवा में आ रहा था उसके मुकाबले अब यहां पर वेट कम आएगा। ये वाला वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, जरूरी नहीं है ये पानी हो, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, ये वाला वेट जो है कम आएगा। क्यों आएगा उसके मुकाबले? क्योंकि हवा में जब हम इसको तोड़ रहे थे तो यहां कोई ऊपर को धक्का नहीं लग रहा था, अपवर्ड थ्रस्ट नहीं था, लेकिन जैसे लिक्विड में डिप करा तो लिक्विड ने एक अपवर्ड फोर्स मारा। इसको ये जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउन लग रहे वेट को कम कर देगा, क्योंकि वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड थ्रस्ट का मतलब ये है कि ये ऊपर को। तो इसके दो नाम होते हैं, या तो अपवर्ड थ्रस्ट बोल दो या इसको बायोट फोर्स बोल दो, दोनों को कुछ भी बोल सकते हो। और बायोट फोर्स की या अपवर्ड थ्रस्ट की या वेट की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोएंसी प्रोसेस को, लेकिन अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से वेट कम हो गया। तो इस अपवर्ड थ्रस्ट की आखिर वैल्यू कितनी है? कोई बच्चा कहेगा सर बड़ा आसान है, जितना वेट हवा में था और जितना वेट बॉडी का लिक्विड में है आपस में माइनस कर दो और आपको पता लग जाएगा अपवर्ड थ्रस्ट। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द सेम बॉडी इन लिक्विड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से अपवर्ड थ्रस्ट यू की वैल्यू आ जाएगी। अब असली बात ध्यान से सुनना, असली बात, आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने हमें एक प्रिंसिपल दिया, एक ला दिया। वो ला क्या कहता है, अब सुनने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट कहता है, ये जो अपवर्ड थ्रस्ट आपने निकाली है ना दोनों को माइनस करके, इसको निकालने का एक तरीका और भी है। हमने पूछा बताओ जी, कहते ये जो लिक्विड डिस्प्लेस होकर बाहर आया था ना, इस लिक्विड का जितना वेट है उस वेट के बराबर होएगा ये अपवर्ड थ्रस्ट, उस वेट के बराबर, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हमने कहा ये कैसे निकालेंगे, कहता ये बताया तो है, वेट ऑफ द कंटेनर छोटे वाला जब लिक्विड गिर चुका था माइनस वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर। हमने कहा पक्की बात है, कहता 100% 10 बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जितना डिस्प्लेस करे हुए लिक्विड का वेट है उसके बराबर अपवर्ड थ्रस्ट आएगी। हमने कहा जी वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हो गया उसका वेट लेना है कि वॉल्यूम लेना है? कहता लेना वेट है, पर एक बात याद रखना
ये डिस्प्लेस करे हुए लिक्विड का अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछ ले, अलग से डेफिनेशन में नहीं डालना आपने, वॉल्यूम पूछ ले, तो वो वॉल्यूम कितना है? आप बोलोगे मेन बॉडी के, ये पूरी बॉडी का जो ब्लू वाला पोर्शन डूबा हुआ है, ब्लू वाले पोर्शन के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उसके बराबर वॉल्यूम वाइज। लेकिन इस डिस्प्लेस करे हुए लिक्विड का जो वेट है, जो ऐसे निकाला, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर। अब मैं डेफिनेशन बोलता हूं इंग्लिश में, ध्यान से सुनना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज द अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, बॉडी नहीं बोलना, डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी ने नहीं डिस्प्लेस करा लिक्विड, जितने पोर्शन ने अपने आप को लिक्विड में भिगो लिया उतने ने। फिर से सुनो, हिंदी में बताता हूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है, ये जो बॉडी का वेट कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर आप उसकी वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो कंटेनर में जो डिस्प्लेस हुआ हुआ लिक्विड आ गया, उस डिस्प्लेस करे हुए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो हमने बोला जी वो लिक्विड डिस्प्लेस किसने करा? कहता पूरी बॉडी के सिर्फ भीगे हुए पोर्शन ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस करा, क्योंकि अभी जो पोर्शन सूखा है इस बॉडी का, लिक्विड में भीगा नहीं, उसने तो लिक्विड में आके जगह ही नहीं ली, उसने कोई लिक्विड डिस्प्लेस नहीं करा। तो टोटल लैंग्वेज सुनो एक बार फिर से। द अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, बाय ब्लू पार्ट ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? यस और नो? अब बताओ हाथ खड़ा करके, राइट हैंड वेव करो अगर अच्छी से समझ आ गया। ओके डाउन, ओके डाउन। एक बच्चा, एक अब वो बच्चे हाथ खड़े करेंगे ईमानदारी से, 100%, 100% ईमानदारी से। बच्चे बातें ना करें आपस में, वो लिख रहे हैं तो हाथ कैसे रही बड़े इतना बारीकी से, मैं देख लूंगा इतना बेटा, योर अटेंशन। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, मैं लिखाऊंगा डेफिनेशन, डोंट राइट, डोंट राइट, मैं वर्डिंग लिखाऊंगा आपको। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिनको आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब समझ आए। शाबाश, रेज योर हैंड, पहले के मुकाबले अब समझ आए। ईमानदारी से, अगर पहले इतना बढ़िया आ रहा तो नीचे रखना हाथ, अगर अब पूरा समझ आया तो ऊपर हाथ करना, झूठ नहीं बोलना बेटे, अगर अब समझ आया तो हाथ ऊपर। तो सिर्फ नाइन्थ सी में दो बच्चों के हाथ हैं, बाकी नाइन्थ ए में सभी बच्चों के हाथ खड़े हैं, नाइन्थ बी में सभी बच्चों के हाथ खड़े हैं, नाइन्थ सी अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे झूठ बोल रहे हैं बच्चे। तो लिखो, शाबाश सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर किसी को आता होता नाइन्थ सी में तो माइक पे आके बोलता ना। लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हरी अप, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय डिप्ड बॉडी, डिप्ड बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द डिप्ड बॉडी,
सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द डिप्ड बॉडी। ध्यान से सुनो, एक बार फिर से सुन लो, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया ही आया आपको, एक बार फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। किसी बॉडी के द्वारा, ध्यान से सुन लो बेटे, डुबोई गई बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस करी गई अपवर्ड थ्रस्ट की वैल्यू डुबोई गई बॉडी के भीगे हुए भाग के द्वारा डिस्प्लेस करे हुए लिक्विड के भार के बराबर होगा। फिर से सुन लो, किसी डुबोई गई बॉडी के ऊपर लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट उस डुबोई हुई बॉडी के भीगे हुए भाग के द्वारा डिस्प्लेस करे हुए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। इस डेफिनेशन में एक भी शब्द छूट गया अगर तो गलत। अब कोई बच्चा वॉल्यूम बोले जा रहा था, कोई बच्चा, एक गुड़िया आई थी बहुत प्यारी सी, उसने अपवर्ड थ्रस्ट की डेफिनेशन बोल दी, आर्किमिडीज बोली नहीं। हाँ, तो वो आपको आसपास की चीजें पता थी, एग्जैक्ट नहीं पता, इसीलिए मैंने इस पे इतना टाइम लगाया। शाबाश। एक चीज और ध्यान से, एक चीज और बेटे देखो, बेटे मान लो इस कंटेनर में लिक्विड भरा है, मेरे हाथ में एक कंटेनर है उसमें लिक्विड भरा है, ओके। अब ध्यान से बताना, मैं अगर इसके अंदर थर्मोकोल फेंक दूं, फ्लोट करेगा या डूब जाएगा? ओके। इसी लिक्विड में मैं लकड़ी फेंक दूं, डूब जाएगी या फ्लोट करेगी? लॉर्ड इसी लिक्विड में मैं ईंट फेंक दूं, डूब जाएगी या फ्लोट करेगी? सारे बच्चे गलत। कितने बढ़िया बढ़िया आंसर बोल रहे हैं, सारे गलत। भाई जब तक मैं आपको लिक्विड का नाम नहीं बोलता, मैंने लिक्विड बोला, मैंने वाटर बोला ही नहीं, जब तक मैं लिक्विड का नाम नहीं बोलता तब तक आप बोल नहीं सकते। वाटर के लिए आपका आंसर सही था। अगर मैं मरकरी ले लूं ना, मरकरी, मरकरी भी लिक्विड है, उसमें मैं ईंट फेंक दूं, डूबती नहीं है, फ्लोट। इसलिए ध्यान से सुनो, इसलिए कोई बॉडी किसी लिक्विड में डूबेगी कि नहीं, ये दोनों पे डिपेंड करता है कि लिक्विड कौन सा है और बॉडी कौन सी। लिखो, शाबाश। द थ्रोन बॉडी, द थ्रोन बॉडी इन टू द लिक्विड डिप्स, या ऐसे लिखो सिंक्स, SINKS, सिंक्स और फ्लोट्स, सिंक्स और फ्लोट्स कॉमा द थ्रोन बॉडी इन टू द लिक्विड सिंक्स और फ्लोट्स कॉमा डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ, नेचर ऑफ थ्रोन बॉडी एज वेल एज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ थ्रोन बॉडी एज वेल एज नेचर ऑफ लिक्विड। मैंने इस सेंटेंस में दो जगह पर नेचर लिखा है, दोनों की ब्रैकेट में छोटा छोटा लिख दो डेंसिटी, डेंसिटी दोनों जगह पर, नेचर की ब्रैकेट में थोड़ी थोड़ी जगह पर लिख दो डेंसिटी, DENSITE, और नीचे एक नया पॉइंट बना दो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। एक और पॉइंट, शाबाश, एक और पॉइंट, उसको समझ लो पहले, पहले समझ लो बेटे, योर अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। अगर किसी बॉडी पर, ध्यान से सुनना बच्चे फिर समझ नहीं आना, अगर किसी बॉडी पर लगने वाली अपवर्ड थ्रस्ट उसके हवा वाले वेट से, हवा वाले वेट में, ये वाला जो बाहर लटका रखा है,
किसी बॉडी पर लगने वाली अपवर्ड थ्रस्ट हवा वाले वेट से या तो ज्यादा हो या इक्वल हो, या तो ज्यादा या तो इक्वल। आइदर द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉडी इज ग्रेटर देन द बॉडी वेट इन एयर और कम से कम बराबर हो। इन दोनों केसेस में फेंकी गई बॉडी फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं, तले तले पर नहीं बैठेगी, बैटम बॉटम पर नहीं बैठे। पर अगर उल्टा हो गया, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज ग्रेटर देन अपवर्ड थ्रस्ट, तब वो बॉडी लिक्विड में डूब जाएगी, तले पर बैठ जाएगी। समझ आ गया? ये जो मैंने रूल बताया इसको बोलते हैं, ये भी आर्किमिडीज ने बताया था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फिर आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने अपने इसी प्रिंसिपल से इतना खुश हुआ था कि उसको बड़े बड़े ज्वेलर्स ने अच्छा इनाम दिया, क्योंकि उसने अपने इसी प्रिंसिपल को आगे यूज करके एक ऐसी ऐसा मैकेनिज्म बना दिया था जिससे गोल्ड की प्योरिटी पता लग जाती थी। गोल्ड में कॉपर मिक्स कराया कि नहीं, कोई सिल्वर तो नहीं मिक्स कर दिया किसी चालाक ज्वेलर्स ने, तो 100% प्योर है कि नहीं है, उसकी गोल्ड को बिना तोड़े प्योरिटी पता लग जाती थी। ऐसा था ये बंदा इंटेलिजेंट। तो टीचर ने लिखो हेडिंग लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ए बॉडी थ्रोन इन द लिक्विड, ए बॉडी थ्रोन इन द लिक्विड फ्लोट्स, ए बॉडी थ्रोन इन टू द लिक्विड फ्लोट्स ओनली इफ, ओनली इफ थ्रस्ट ऑन द बॉडी बाय लिक्विड, या अपवर्ड थ्रस्ट लिखो, अपवर्ड थ्रस्ट की ब्रैकेट में बायोंट फोर्स भी लिख सकते हो, ओनली इफ अपवर्ड थ्रस्ट बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। अदरवाइज लिखो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, अदरवाइज बॉडी सिंक्स, अदरवाइज बॉडी सिंक्स। ये बॉक्सा बना दो नीचे, ये बॉक्सा बना दो, ए बॉडी फ्लोट्स इफ, फ्लोट्स ओनली इफ, ओनली इफ का मतलब पक्की कंडीशन, प्रोवाइडेड बशर्ते के। ध्यान से देखो यू का मतलब क्या बेटे, यू का मतलब कौन बताएगा? अपवर्ड शाबाश। अपवर्ड थ्रस्ट ऑन बॉडी इज इक्वल टू, या उससे ग्रेटर होएगी या इक्वल होएगी, कौन किससे ग्रेटर? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। अब सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए पेन नीचे रख लो, पेन नीचे रख लो। अब ध्यान से सुनना बेटे, मैं मान लो मेरे को तैरना नहीं आता, मेरे को तैरना नहीं आता, मैंने स्विमिंग पूल में जंप मार दिया। पैन नीचे रख दो, कुछ खास बातें। मेरे को तैरना नहीं आता, मैंने स्विमिंग पूल में जंप मार दिया, बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी मैं डूब जाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पानी के द्वारा मेरी बॉडी पर लगाया गया अपवर्ड थ्रस्ट, ह्यूमन बॉडी पर, मेरी का मतलब ह्यूमन बॉडी, तुम भी, तुम में से भी कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी पर लगाया गया अपवर्ड थ्रस्ट कम होता है मेरी बॉडी के वेट के मुकाबले। मेरी बॉडी के ऊपर लगाया गया अपवर्ड थ्रस्ट किसके द्वारा? पानी के द्वारा कम होता है, मैं डूब जाऊंगा।
तो पर मेरे को तैरना एक ही दिन में तो आ नहीं सकता, मैं पानी में स्विमिंग पूल में एंजॉय करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, कोई ऐसा तरीका अपनाऊं जिससे मेरी बॉडी के ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा लगे। क्या करूं? मैं अपनी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ा लूंगा। वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊं? या तो मैं एकदम से मोटा हो जाऊं, या फिर मैं अपनी बॉडी के इर्द गिर्द ट्यूब बांध लूं, ट्यूब जिसमें हवा भरी होगी, तो मेरी बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जितना बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा होता है उतना अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा लगता है, लेकिन ट्यूब में भरी हुई हवा का भार कोई ज्यादा खास बढ़ेगा नहीं, तो कंपैरेटिवली क्या हो गया? अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा हो गया, अब मेरा और ट्यूब का वेट कम रहेगा, अब मैं फ्लोट करूंगा। तो माइंड में रखना है कि अपवर्ड थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए जिस बॉडी को लिक्विड में डाला है उसका वॉल्यूम बड़ा कर दो। गॉट इट? एक बार आई वॉज अबाउट 25 ईयर्स एज, तो मैंने एक टीन एजर बच्चे को, 16-17 बच्चे, 7 साल के बच्चे को पानी में डूबते देखा, कपड़ों समेत वो गिर गया था। ऐसे ऐसे करे तो मैंने उसको एकदम से बोला, बेटे अपने ट्राउजर है ना जो डाले हुए हैं पैंट, इसको जल्द से जल्द आप बाहर निकालो अगर बचना चाहते हो। उसने निकाला, फिर मैंने कहा इसके दोनों तरफ लेग्स को गांठ लगाओ, गांठ लगा दी, अब अपने पैंट को हवा में घुमा के इधर से बंद कर दो, जिधर से कमर होती है एकदम से। उसने ऐसे हवा में घुमाया, गुब्बारा सा बन गया, पैंट को बंद कर दिया। हवा भरने से पैंट में फुलावट आ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से अपवर्ड थ्रस्ट बढ़ गया। क्या हो गया फिर? यही कंडीशन होगी, अपवर्ड थ्रस्ट बिकम्स ग्रेटर देन वेट। तो जितनी देर उसने हवा को पस कस के रखा कपड़े के अंदर, उतनी देर वो पानी में फ्लोट करता रहा। इतने में हम लोगों ने रस्सी फेंक दी और निकाल लिया। तो साइंस को प्रैक्टिकल लाइफ में लगाता भी है, मन लगाना भी चाहिए, ऐसे नहीं है कि किताबों में रह जाए। पैराशूट है, पैराशूट गिरता है, पैराशूट क्या कर रहा है? हवा में डूब रहा है, जैसे पानी में फेंका हुआ बॉल बॉल डूबता है धीरे धीरे, ऐसे ही पैराशूट हवा में डूब रहा होता है। पैराशूट का साइज बड़ा कर दो, अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा होगी, जो एकदम से फ्री फॉल होनी थी बॉडी वो धीरे धीरे आएगी। अगर पैराशूट नहीं खुलता तो फ्री फॉल हो जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बंदा गिरेगा नीचे, बचने का कोई चांस ही नहीं। क्यों? वेट ज्यादा है और पैराशूट खुला नहीं है, वॉल्यूम कम है, अपवर्ड थ्रस्ट बहुत कम लगा, लेकिन पैराशूट खुल गया छतरी की तरह, अम्ब्रेला, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा होने से अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा हो गया, अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा हो गया, वेट उतना ही है बंदे का जो गिर रहा है, क्योंकि पैराशूट चाहे खुल जाए चाहे बंद रहे, पैराशूट प्लस मैन दोनों का वेट तो वही रहेगा, वेट कंपैरेटिवली कम हो गया, वो फ्लोट करने लग गया। इज दैट क्लियर? अब एग्जाम्पल के बाद ये वो सारा आपको बायोंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर अच्छे से क्लियर हो गया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स अगर एग्जाम्पल होंगे सच। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आई एम वेरी ग्लैड के बीइंग अ सीनियर इंडियन सिटीजन मैं अपने देश के छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंडियन सिटीजन को सक्सेसफुली नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं। और जानते हो इसका क्रेडिट किसका जाता है? आपको जाता है 50%। 40% किसको जाता है? जो क्लास में टीचर से डिसिप्लिन मेंटेन करें। 95% किसको जाता है? जिन्होंने ये स्टूडियो बना रखा है, किताबें बनाई हैं, ये वो। 5% मेरे को जाता है। शाबाश। तो यू शुड बी वेरी 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 थैंकफुल टू योर टीचर्स हु आर प्रेजेंटली मेंटेनिंग द सो गुड डिसिप्लिन इन योर क्लास। और अगर आज मैं आपके प्रिंसिपल के सामने बैठा होता तो बहुत तारीफ करता कि एक एक बच्चा ध्यान से लेक्चर सुन रहा था, मजा आ गया भाई। अब मैं और देखता हूं कि और कोई मेरे बच्चों की क्या कमी हो सकती है इस चैप्टर में। यस, एक है बेटे हमारे पास
टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी, लिखो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। इसका एब्रीवेशन बड़ा पॉपुलर है बेटे, आर डी। लो हम इसको इंटरएक्टिव सेशन में सीखते हैं, देखते हैं कौन बच्चा इसको बता पाता। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम? बिल्कुल 100% सेम चीज का एक दूसरा नाम होता है साइंस में, सर, कौन हमारे हमारे सिलेबस में ये रिलेटिव डेंसिटी है नहीं सर, नहीं, एनसीईआरटी की बुक में तो है, कट कट हो गया है, हो गया। न्यू बुक्स में कट नहीं है, कट अच्छा ऐसे करते हैं फिर, इसको बाइंड अप कर देते हैं, नहीं करते हम, लेकिन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो हेडिंग लिख दी, लिख दो बस ओके सर। फॉर्मूला लिख दो। अब यहां लिख दो डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इसके दूसरे नाम को बोलते हैं एस जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लो बस, और हम इसका कुछ करते ही नहीं, बस जब हेडिंग लिख दिया तो इतना सा लिखने में कोई अर्थ नहीं, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस, बस खत्म कर दो इसको। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है एनीबॉडी? प्रेशर का ये दूसरा आर्टिकल है, प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है एनीबॉडी? थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हो, लिख लो सभी बच्चे, फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, और एक और भी इसका फॉर्मूला है वेट अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, ये सारे इसके फॉर्मूले। प्रेशर का यूनिट क्या होता है बेटे? पास्कल, पास्कल। शाबाश पास्कल। और एक पास्कल कितना होता है? एक पास्कल एक न्यूटन को एक मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक न्यूटन को 1 मीटर से डिवाइड कर दो, ये पास्कल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? प्रेशर की कोई और यूनिट पॉपुलर है? ये तो इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट। प्रेशर अदर यूनिट्स हैं कुछ? बोलो। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। वो तो वही है बेटे, वो तो सेम ही है, पास्कल को 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ओके वो तो एक ही, अदर यूनिट सुनो, लिखो एटमोस्फियर, एक और यूनिट है बार, एक और यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक फार्मूला लिख लो 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101325 पास्कल के बराबर होता है, 101325 पास्कल। आज हम यहां पर वाइंड अप करते हैं, और आप लोगों का मैंने बेस बना दिया, आप ये असाइनमेंट के क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करके आएंगे, और अगले लेक्चर में हम असाइनमेंट को खींच देंगे। देखो आज मैंने इसको टच भी नहीं करा, क्योंकि मैं अपने बच्चों का बेस स्ट्रांग करना चाहता था। अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करके आओगे, एटलीस्ट इवन क्वेश्चंस की या ऑड क्वेश्चंस की, इवन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आएंगे बॉयज, ऑड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आएंगे गर्ल्स, ठीक है? आपने इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, हम इसको क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का हम वाइंड अप करते हैं, जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया प्लीज गिव मी एन इंडिकेशन बाय वेविंग योर बोथ हैंड्स।
Please give me an indication. Thumbs up, bravo. Or my sincere thanks to the teachers maintaining so good discipline. Bye bye. Bye. Bye.